तो लखीमपुर की घटना पर विपक्ष की सियासत जारी है, वहीं कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा। पास की बात में आगे बढ़ेंगे, सीधे चलेंगे कुशीनगर जहां सीएम योगी इस वक्त दौरे पर हैं, एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार फुल एक्शन में सीएम योगी हैं, लगातार वो गोरखपुर से आज कुशीनगर पहुंचे। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे लाइव एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात योगी सरकार में मिली है और इस वक्त कुशीनगर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। सिर्फ लखनऊ में बैठ के काम नहीं देखते सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए फील्ड पे जाके क्या स्थिति है इसका भी पूरा का पूरा जायजा लेते हैं। बैठक भी की है उन्होंने, कुशीनगर एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक भी की है, कितना कार्य हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार स्थलीय निरीक्षण के बाद एक बैठक चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक किस तरह का एक ब्लूप्रिंट है वो दिखाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को बैठक में, कैसे रनवे होगा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कुशीनगर को एक नई पहचान मिलने जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में होगा। योगी सरकार का जो फोकस है वो विकास पे है लगातार। इससे पहले भी हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग मंडलों की, चाहे वो सहारनपुर मंडल हो, चाहे वो अयोध्या मंडल हो, चाहे वो चित्रकूट मंडल हो, उसकी समीक्षा की, वहां के विकास कार्यों की समीक्षा की। और आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रूपरेखा कैसे रखी जा रही है, क्या क्या तैयारियां हैं, एक एक चीज की बारीकी से परख कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ में बैठ के नहीं, कुशीनगर में वहां जाकर देख रहे हैं कि जो अधिकारी कागजों में काम लिखते हैं वो कितना काम हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें कुशीनगर से जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कुशीनगर दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, कुशीनगर को एक बड़ी सौगात मिली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो सीएम योगी का फोकस कई बार देखा जाता है कि कुछ सरकारें आती हैं एक एक शहर, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो लखनऊ हो जाए, उस पर विकास का फोकस होता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि हर जिला विकास का नया इतिहास लिखे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है वो भी कारगर साबित हो रही है और कुशीनगर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 73 वर्ष के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट 25 वर्षों की इस मांग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से इस जनपद में और इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। सचमुच एक बहुत अभिनंदनीय अवसर है, सराहनीय पहल है और इस दृष्टि से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जो सकारात्मक सहयोग किया है, यहाँ की जनता जनार्दन ने जो सकारात्मक पहल की है, यहाँ के माननीय सांसद लगातार लगे रहे, यहाँ के विधायक जी भी इसके लिए आवाज़ उठाते रहे, आज वो शुभ मुहूर्त हम सबके सामने है। और मैं आभारी हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी और आज स्वयं भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पर आकर के इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लगभग 73 वर्ष के